ऑटो पुल की डेट एंड टाइम फिक्स। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूँगा, मैं जो आपसे ये बात बोल रहा हूँ ये एक मैसेज दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है और एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और क्या वायरल हो रहा है इसमें और कैसी बात लिखी है यहाँ पर, साफ साफ मैं आपको बताऊँगा। सारी जानकारी ऑटो पुल्स की है दोस्तों। तो मैं आपसे मैं यही निवेदन करूँगा दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब काफ़ी समय से ऑटो पुल का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप थोड़ा इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद अपनी टीम में शेयर ज़रूर करना। और जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उनसे मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें, क्योंकि पलवाइन में हर पल कोई ना कोई अपडेट आती ही रहती है और आने वाले समय में बड़ी बड़ी अपडेट आने वाली हैं जो कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें। तो दोस्तों बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आ गए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जिन लोगों ने प्लान ए में 1,71,000 रुपये लगाए थे तो उसमें 1,71,000 में 42 करोड़ का ऑटो पुल उनको मिलेगा। तो दोस्तों ऑटो पुल तो उनको इतना टोटल मिलेगा यानी कि 32 लाख, 1,31,00,000 कोरल का और ऑनिक्स का 3,93,00,000 और यहाँ पर क्वार्ट्ज का हो गया 39 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना टोटल ऑटो पुल मात्र इसमें इन चारों रैंक में 1,71,000 रुपये आपके लगते हैं और बहुत सारे लोगों ने लगाए भी हैं। तो इनके बदले जो 42, 44, 45 करोड़ रुपए हैं उनको मिल पाएंगे? तो दोस्तों ये पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं लेकिन पॉसिबल है, लेकिन कितने समय में पॉसिबल है कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो मैसेज वहाँ ग्रुप में वायरल हो रहा है उसमें ये बताया गया है परल वालों का 3 से 4 राउंड ऑटो पुल आने का समय फिक्स हो गया है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि वहाँ जो बताया जा रहा है ग्रुप में, हालांकि मैं किसी कारण आपको वो ऑडियो नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं वो ऑडियो आपको नहीं सुना सकता। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ उस ऑडियो में यही बताया गया है कि ऑटो पुल इस मंथ की लास्ट तारीख को बताया गया है, वहाँ पर ऑडियो में इस मंथ की लास्ट तारीख को परल के 3 से 4 राउंड ऑटो पुल क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट ये बताई गई है और मैं आपसे यही कहूँगा कि सब लोग लीडर जो भी होते हैं, लीडर या सीनियर जो भी होते हैं या यूट्यूबर जो भी होते हैं, सब अनुमान ही लगाते हैं और सिस्टम के मन में जो होती है सिस्टम कुछ और ही कर जाता है। पॉसिबल हो सकता है कि सिस्टम ऑटो पुल दे सकता है इस मंथ में, लेकिन उसको 100%, 90%, 70%, 80% ना समझिएगा, क्योंकि सिस्टम का कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि सिस्टम ऑटो पुल कब देवे, अचानक भी दे देता है वो और हो सकता है कभी कभी दोस्तों बात सही भी निकल जाती है। 2 बार तो मेरी बात भी सही निकली थी ऑटो पुल की, पिछले टाइम में मैंने कहा था 15 से पहले ऑटो पुल आएंगे तो वो आए थे। तो दोस्तों लीडर की बात भी कभी कभी अनुमान सही निकल जाते हैं, मैं ये नहीं कहता अनुमान गलत निकलते हैं, अनुमान लगाना काम है क्योंकि सिस्टम की से कभी किसी की बात भी नहीं हुई है, सिस्टम के मालिक को किसी ने देखा नहीं है। तो सिर्फ सभी हम सब जितने भी लोग हैं सब अनुमान ही लगाते हैं और अनुमान कभी कभी सही भी निकलते हैं और सिस्टम जो कहता है वो करता है, लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं है करने का, क्योंकि सिस्टम ने काफ़ी समय पहले बोला था इतनी तारीख ऑटो पुल आएंगे, नहीं आए, लेट आए थोड़े। तो सिस्टम जो कहता है वो करता है लेकिन लेट काम करता है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप ज़्यादा इधर उधर की बातों में ना आए। तो दोस्तों आप खाली समझें ऑटो पुल यदि अच्छा होगा, यदि इस मंथ के में ऑटो पुल आ जाए, आपसे मैं ही कहूँगा आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बस थोड़ा वेट करना बनता है, दिवाली के बाद सिस्टम हो सकता है आपको कुछ उपहार ऑटो पुल के रूप में दे। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।